बिहार बोर्ड ने रविवार को मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। गया में मजदूर के बेटे ने जिला टॉप किया है। गया के रहने वाले आयुष कुमार ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में जिले भर में टॉप किया है। बता दें कि पिता ने अपने बेटे को कर्ज लेकर पढ़ाया था। बेटे के जिला टॉपर की खबर मिलने के बाद इस मजदूर परिवार में काफी खुशी है। माता पिता को खुशी है कि उन्होंने बेटे को पढ़ाने के लिए जो मेहनत की वो रंग लाई है और उनका बेटा जिला टॉपर बना है। मेरी सफलता का श्रेय माता पिता भैया और मामा जी और साथ ही कोचिंग के टीचर और स्कूल के टीचर। अच्छा। रास्ते मुश्किलें तो बहुत आई लेकिन माता पिता और भैया ने बहुत साथ दिया। आगे बढ़ के मैं डॉक्टर की तैयारी करना चाहता हूँ। डॉक्टर की तैयारी है? खुशी तो बहुत है सर। मैं सोचे थे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो कुछ नंबर अच्छा आना चाहिए जिससे माँ पिता का नाम रोशन हो। बेटे को पढ़ाने के लिए आयुष के पेरेंट्स ने कर्ज लिया था। कर्ज लेने के बाद काफी मेहनत की और फिर उसे चुकता भी कर दिया। अब बेटा मैट्रिक परीक्षा में टॉपर बना है। आयुष के पिता मजदूरी का काम करते हैं, वही माँ घर में ही कामकाज करती है। अब माता पिता का कहना है कि बेटे को आगे बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वह करेंगे। कर रहे हैं। बहुत गर्व हो रहा है। गर्व हो रहा है। पढ़ाई तो आया कि टाइम पर पैसा नहीं जुटा तो किसी दूसरे के सहारा लेकर टाइम से पैसा दे दिए और फिर उनको दे दिए। अच्छा, यानी कर्जा कर भी आपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई जारी रखे। अच्छा, आगे आपकी बच्चा जो है मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए क्या सक्षम है? एकदम सक्षम है। मतलब जहाँ तक बच्चा आपका आगे बढ़ेगा उसे बढ़ाएंगे, जिसमें बीच बीच में मामा जी भी इसको हेल्प किया कि अच्छा। नहीं मेरा भागना पढ़ने लायक है तो उसको बना देते हैं। लोकल 18 गया से कुंदन कुमार की रिपोर्ट।